रेसिप्रोकल हो गया था ना। लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एन टू कैन रिएक्ट विथ 12 ग्राम ऑफ एच टू टू प्रोड्यूस 68 ग्राम ऑफ एन एच थ्री। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पिछले क्लास में बताए थे। टेस्ट हुआ था तुम लोगों का? कौन? केमिस्ट्री का उसका जो है नहीं होगा ना, तो हम फिर से टिक कर देंगे, ठीक है ना, फिर से टिक कर देंगे। वो एक्चुअल में क्या हुआ कि वो तो व्हाट्सएप पे हम भेजे होंगे आंसर, ई व्हाट्सएप पे भेजे होंगे उनको, तो नहीं होता है कि यहाँ से हम भेजे, उसमें कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हुआ, फिर वहाँ गया तो वो और टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, तो आंसर अभी एक मिल गया जो गलत गलत मिला है, यही ना मतलब, अभी आंसर एक बार मिला है तुम लोगों को। हाँ तो अब जो है उसको अभी हमको जस्ट पता है, तो हम बोले ठीक है निकाल के रखिए, उसको हम टिक कर देंगे केमिस्ट्री वाले का, ठीक है तो हो जाएगा।
देखें। अच्छा, तुम भी दी थी एग्जाम, कैसा गया? फिर भी मतलब दोनों में सिर्फ 12 को दी थी। अच्छा, 12 में तो पी ब्लॉक सब तो खुद से। कैसे बनाओ दिखाओ। बस ठीक है। देखो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इसमें स्टोइकोमेट्री सब लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मोल कंसेप्ट उस सब का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये हो गया बिल्कुल बच्चा वाला सवाल जो होता है, एलकेजी तो नहीं कह सकते हैं, यूकेजी कह सकते हैं, यूकेजी का सवाल है ये। हे भगवान, ये क्या, ये होली हम ही से खेल लिया। देखो हाँ कितना अब तो हो ही जाएगा, जब हिंट्स कर दिए तब तो होना ही है, उसमें कुछ था कुछ नहीं था हैं। जब ये बोले कि यूकेजी का सवाल है, यूकेजी का सवाल है, तो क्या हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सवाल है। तो बोलो बोलो। तो यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, एलसीएम मत समझ लेना, कोई ठिकाना नहीं तुम लोगों का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ एक बार ऐसे ही पढ़ा रहे थे, तो एसिड बेस पढ़ा रहे थे, तो उसमें जो है स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, तो हम लिखे कि जो स्ट्रांग एसिड जब वीक बेस से मिलता है, ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। तो हम यहाँ पर लिख दिए स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, बता सर इसमें साउथ अफ्रीका वेस्ट बंगाल कहाँ से आ गया, ठीक ना। तो इसलिए उस दिन के बाद से हम लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट में जब तक लिखवा नहीं लेते हैं कि इसको फुल फॉर्म लिखो, तब तक छोड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताए थे, याद है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही बताए थे। तो इसमें क्या दिक्कत है, प्रोडक्ट तो यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, N2 का मास प्लस H2 का मास इज इक्वल टू NH3 का मास, यही है ना। हमको ना बैलेंस करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। ये हमको दिया हुआ है कितना, 68 ग्राम, और ये दिया हुआ है कितना, 12 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, 68 माइनस 12 बराबर कितना, 12। यही जब स्टोइकोमेट्री पढ़ते तब तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगता, तो फिर वो तरीका अलग हो जाता उसका। इसमें 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 तो कुछ करना ही नहीं है, हाँ तो क्या मतलब दे रहे हैं तो ऐसे थोड़े ना दे रहे हैं, इसका भी हाँ। देखो क्वेश्चन जितने तरह से घुमा के दे सकता है उतने तरह पहले से तैयार रहो एकदम, ठीक है, तब वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा।
गया। कभी कभी क्या करता है कि जो स्टेटमेंट तुम लोगों को लिखवाए हैं लॉ का, ठीक है, वही डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देगा, आ जाओ, वही स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख देगा और कहेगा कि दिस इज, अब वहां पर चार चॉइस दिया रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इस तरह से दे देगा। मतलब स्टेटमेंट लिखा और वहां से दे देगा। तो हाँ, ये है कि इसमें क्वेश्चन का दायरा बहुत बड़ा नहीं रहता है। जैसे देखो अभी दिए हैं तो कितना सिंपल दिए, क्योंकि इसमें क्या पूछ सकता है वो, भाई जो लॉ हम पढ़े हैं वही लॉ तो पूछ सकता है। जैसे मान लिया कि जो नाइट्रोजन है, बताए थे तुम लोगों को नाइट्रोजन वो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, अब वो तरह तरह का कंपाउंड बना रहा है और उसमें दे देगा कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो सिंपल रेशियो में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिख दिया स्टेटमेंट। वहाँ पे तुम लोगों को इंटीग्रल रेशियो लिखे थे, यहाँ कह देगा कि सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक, दिस लॉ इज, अब वहाँ पर दिया रहेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ, इस तरह से। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं, चूँकि एक नाइट्रोजन जो है ढेर सारे ऑक्सीजन से मिल करके ढेर सारे कंपाउंड बना रहे हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन का कह रहा है कि वो सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है, बस। तो स्टेटमेंट देकर के इसमें पूछ सकता है, इसमें और कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछ सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ ऑफ डिस्ट्रक्टिविलिटी ही बोलते हैं, लॉ ऑफ डिस्ट्रक्टिविलिटी। हालांकि तुम लोगों को इतना टफ तो नहीं पूछेगा, कहीं कोई ठिकाना है क्यों क्या पूछ दे, ठीक है ना। तो एक लाइन लिख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिस्ट्रक्टिविलिटी। लॉ ऑफ डिस्ट्रक्टिविलिटी, तो उस दिन सारे के सारे लॉ पढ़ा दिए थे, कुछ बचा हुआ था, बचा हुआ था, जितना लॉ बताए थे वो सारा का सारा समझ में आ गया। तीन बचा हुआ था, कौन कौन, बस दो ही ना, बाकी सब पढ़ा दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन जिसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, सब बता दिए थे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सब लोगों को समझ में आ गया था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आ गया था ना समझ में, तुम लोगों को नहीं आया था, तुम लोगों को कुछ कुछ आया। कौन सा एग्जांपल दिए थे उस दिन, वही दिए थे ना, एक तुम लोगों को बनाने के लिए भी दिए थे, तो तुम लोग तो बना ही दिया था, फिर कैसे नहीं समझ में आया। वहां पर ये बताए थे कि जैसे कोई ऐसा एलिमेंट ले लो जिसका कि मास क्या हो, फिक्स हो, नहीं कोई ऐसा ले लो, जैसे कौन सा लें, तुम ही लोग बोलो कोई, जो कोई ऐसा ले लो जिसमें कि दो हम लोग मतलब कि उसके साथ कंबाइन करके रिएक्शन करके कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे
एक हाइड्रोजन रख लो, ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन रख लो, ठीक है, और यहां पर फास्फोरस ले लो, ठीक है। तो यहां पर फिक्स्ड मास से कंबाइन करना है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 ग्राम से अगर कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, NH3। और यहां से फास्फोरस जो है ये भी अगर करेगा तो क्या होगा, PH3। लेकिन NP तो कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है, फॉस्फिन। ये तो दोनों नॉनमेटल है, दोनों कंपाउंड बनाता नहीं है, तो कैसे होगा। ओ रख देंगे जैसे, ठीक है। देखो मान लीजिए ओ रख देते हैं, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से तो यहां पर बनेगा क्या, H2O, ठीक है, यह बढ़िया हुआ, एग्जाम्पल अच्छा दिया है, H2O। तो यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 14:3। और यहां पर जो है ये कितना है, हाइड्रोजन और, यानी कि देखो ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन हो गया 2:16। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन करो ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये कितना हो जाएगा, 16:2, ठीक है, 16:2। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, क्या कि यहां पर यहां ना, ओहो तभी तो गड़बड़ हो रहा था, तब गड़बड़ होता, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहां क्या हुआ, 14:3, और यहां पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 16:2। तो यहां पर कहता है कि ये जो है ये रेशियो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक को फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर ये जो देख रहे हो H3 है, इसको हमको दोनों के केस में क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो अगर यहां पर देखो जैसे लिखा हुआ है कि 3 ग्राम जो है वो कितना से कर रहा है, 14 से, ठीक है, तो यहां पर 2:2 कितना है, 2:16, और 3:2 कितना हो जाएगा, नहीं होता है। यहां पर देखो ना जैसे 16:2 है ना, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 8:1। तो अगर हम लोग इसको 3:2 करना चाहेंगे तो पूरे को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 24:3 आ गया, ठीक है ना। अब क्या है कि ये रेशियो हमारा जो है इस रेशियो के साथ मैच कर गया, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो हाइड्रोजन का कितना है, 3 ग्राम, वहां भी हाइड्रोजन कितना है, 3 ग्राम। अब यहां पर कहता है कि ये दोनों जो आपस में कंपाउंड बनाएगा, कोई कंपाउंड बना दो, जैसे मान लिया हम बना दिए क्या, NO2, यही ना है, NO2, हाँ ठीक है, रहने दो। तो NO2 यहां पर रेशियो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 14:2 कितना, 32, ठीक है। देखो तो अब यहां पर रेशियो तुमको किसका किसका निकालना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ना, ये हमारा किसका है, ये हमारा है ऑक्सीजन, ये हमारा है हाइड्रोजन, तो ये तो फिक्स्ड हो गया, ये तो फिक्स्ड मास हो गया, नहीं तो रेशियो हमारा जो है किसका किसका ले रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन कितना है, 14, और H2 कितना, 24, है ना है? ये कब है, ये तब है जब दोनों थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करता है, व्हेन कंबाइन विथ थर्ड एलिमेंट, ये बताए थे, थर्ड एलिमेंट। और ये जब सेल्फ जब खुद में करेगा तो यहां पर क्या हो जाए, रेशियो कितना है, 14:2
है। तो यहां पर देखो रेशियो निकालने की कोशिश करो कितना आएगा, ये डायरेक्ट यहीं से कर दो ना, क्या होगा 14/24 × 32 × 14 कट गया, कितना हो जाएगा 4×8 = 32, 4×6 = 24 ठीक तो काट रहे हैं भाई तुम लोग, हम भी ऐसे 2×8 = 6 देखो आ गया 4:3 मतलब जैसे कहने का ये होता है कि इसमें क्या आएगा 1, 2, 3, 4 बोले थे ना कि इंटीग्रल मल्टीपल में रेशियो आना चाहिए, ठीक है ये। हाँ जैसे 2.5 आ गया, 3.5 आ गया, ठीक है 2.3 आ गया, तो वहाँ पर जैसे प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है जी। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि जब भी तुम निकालोगे तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि उसका नियम ही है, क्या कहता है कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ठीक है ना, तो वहां पे थर्ड एलिमेंट जिसको भी कंसिडर करोगे उसका मास तुमको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या था कि उधर था 14:3 और इधर कितना आ रहा था 16:2, तो वहां पर फिर रेशियो निकालते, ठीक है, तो वो फिर गलत था, वहाँ एक तो रेशियो निकालना ही नहीं है क्योंकि वो लॉ को ही नहीं फॉलो कर रहा है। तो लॉ को फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस रेशियो में लाना पड़ेगा, फिक्स्ड मास करना पड़ेगा, फिक्स्ड मास होने के बाद तब फिर अब यहाँ पर NO करो या NO2 करो N2O करो कुछ भी करोगे तो वो इंटीग्रल मल्टीपल रेशियो में आएगा ही। हो गया ठीक है। देखो अब कहता है कि गे-लुसास लॉ, ठीक है, अब यहां पर देखो कहता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिफिनेट वॉल्यूम, डिफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन
टू और मोर मोर गैसियस सब्सटेंसेस व्हेन टू और मोर गैसियस सब्सटेंसेस रिएक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट प्रोडक्ट द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स are present in simple ratio. Simple ratio. जैसे कहने का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो अभी N2 वाला बताए थे, N2 यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन गैस है. इसका रिएक्शन सपोज करो कि 3H2 यानी हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या है, गैस है. अतः ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, NH3 जो कि ऑलरेडी गैस है. तो यहाँ पर कहता है कि जब भी गैसे सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम सिंपल रेशियो होता है. जैसे यहाँ पर देखो ये कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, और ये कितना वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम, और ये 2 वॉल्यूम. ठीक है, समझ में आया. मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या हो गया, दैट इज 1 वॉल्यूम ऑफ N2, 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम ऑफ H2 टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ NH3. यही था गे-लुसाक्स का कहना. ठीक है, कितना सिंपल चीज बोल दिए, काश हम लोग भी बोल पाते हैं. वही ना कि मेरे बोलने से कोई मतलब नहीं है, पहले ही बोला जा चुका है. तुम लोग क्वेश्चन कितना बनाया केमिस्ट्री में टोटल, ना सब सही सही ना.
कुछ गलत हो जाएगा क्या है? क्या है आंसर? गलत था आंसर, गलत था तो टेस्ट कहाँ खराब गया? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना? आंसर जब बोल रहे थे हम बोल दिए कि हम चेक करेंगे फिर से, ठीक है? आंसर चेक कर लेंगे और तब जो आंसर आएगा उससे मिला करके देखना, क्योंकि वो हो सकता है कि जो भेजा गया होगा ना जहाँ पे, तो व्हाट्सएप पर तो जिस, हाँ उसमें हो सकता है कि सीरियली में इधर उधर हो जाएगा तो सब पूरे गलत हो जाएगा, तो इसलिए करके हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, तो टेंशन ले लेने का, ठीक है? अच्छा, आज नहीं होगा ना तो हम लेके चले जाएंगे और वहाँ से हम, हाँ वहाँ से, क्योंकि अभी तो मान लें हम थोड़ा सा अभी जस्ट यहाँ से निकलेंगे, फिर मेरा क्लास है, हाँ वही आज, लेकिन भेज देंगे हम, ठीक है? तो सबके लिए टेंशन नहीं लेना है, खाली ये बोले कि जो तुम लोग जो बनाए हो तो अपना कॉन्फिडेंस होगा ना कि हाँ ये चीज़ हम लोग जानते थे कि हम लोग सही सही बना दिए हैं, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वॉज गिवेन बाय पढ़ता नहीं है और सबका पता था। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कौन दिए थे? अच्छा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तुम बताएगी? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अन्य, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्यों क्यों नहीं किए? डाल्टन, डाल्टन, तुम बताएगा लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। नहीं पता सोहेल? है क्या पूछे? लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन नहीं पता। ऋतिक जोसेफ प्रोस्ट, ठीक है बैठो बैठो, ठीक है। देखो तो एवोगैड्रो लॉ ये जो है ये कुछ नहीं किए, ठीक ना? ये सिर्फ गेलुसाक साहब जो बोले थे, ठीक है, उसको ये कोरिलेट कर दिए कौन चीज से? मोल से।